वेलकम बैक. आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ आपकी कविता थपलियाल और यहां पर निसरीन मामा जी और हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटी से मेरे साथ जुड़ गए हैं और जो अब दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे. और दर्शकों के सवालों के जरिए ऐसे बहुत सारे कई बार मुद्दे होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम आपको समझा पाते हैं. दोनों का स्वागत है. हर्ष, आपका भी स्वागत है. आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे. दरअसल हमने विमेंस वेडनेसडे की आज से शुरुआत की है, जिसकी पहल की है आज से हमने. तो हम महिला फाइनेंशियल प्लानिंग पर थोड़ा तवज्जो दे रहे हैं इस सेगमेंट के जरिए. आने वाले वक्त में हर्ष को भी हम देखेंगे इस खास पेशकश में अर्जी लगाते हुए हमारे साथ, जैसे कि हमेशा हमारे साथ रहते आए हैं. तो मेरे साथ फोन लाइन पर चंदन साहू हैं. चंदन जी नमस्कार. नमस्कार, कैसे हैं सर? कहां से बोल रहे हैं? मैं तो मुंबई से बोल रहा हूं. चलिए सर, धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा. सर बताइए, आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड्स हैं? जैसे मेरा एसबीआई लास्ट के मिड कैप 4000 का है. कानारा रेवो को ब्लू चिप का 2000 है जी. पारंपरिक 1500 का है. कोटक स्मॉल कैप का 1500 है. ठीक है. बाकी जैसे मैं एसबीआई लाइफ में रिटायरमेंट का एक लिया हुआ है 6000 का. एक पीपीएफ में 1000 का इन्वेस्टमेंट चालू. ये लगभग 2 ईयर से चालू है मेरा. ठीक है. मेरे को ये समझना है, मेरे को देखो 1 CR या 2 CR तक मेरे को करना है और 15 या 16 ईयर में. ओके. तो मेरे को ये समझना है जो फंड मैंने चॉइस किया है सही है कि नहीं. ठीक है. एक मिड कैप है आपके पास, फ्लेक्सी कैप भी है और आपके पास स्मॉल कैप भी है और आपने एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट भी लिया हुआ है. चलिए झटपट में हर्ष के पास जाऊंगी, बहुत समय हम नहीं बताएंगे. हर्ष बताइए. अगर हम पोर्टफोलियो देखें इनका है वो ठीक है. इनके पास लार्ज मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप, इनके पास स्मॉल कैप, यू नो अलग अलग टाइप के इनके पास सारे फंड हैं. तो पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड का आपका है साहू जी, उसमें आपको कोई भी बदलाव करने की मुझे जरूरत नहीं लग रही. जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आपने कहा कि 15 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है. तो वेल, अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखूं और उसे अनुमान लगाऊं कि 12% से अगर ये ग्रो करेगा तो आपके 15 साल बाद करीबन आपको 45 लाख रुपए के आसपास मिलने की आपको उम्मीद है. अब ये उठता है कि आपने बाकी जी जगह भी इन्वेस्ट कर रखा, आपका एनपीएस है, पीपीएफ है और आपने क्यूलिप पॉलिसी ले रखी है. अगर हम उन सारे इन्वेस्टमेंट का मिला के देखें तो शायद आप 1 करोड़ तक का टारगेट पूरा कर पाएंगे. सो दो बातें आपके पोर्टफोलियो को देखते हुए. एक, आपके म्यूचुअल फंड में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से आपका 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं होगा, वो आप करीबन 45 लाख समझिए. लेकिन बाकी सारे अगर आपके इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो शायद आप 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे 15 साल. चंदन साहू आप हैं मेरे साथ फोन लाइन पर? हाँ है. बताइए, कोई सवाल पूछना आपको हर्ष से? जैसे जैसे मेरे को 5000 का और एक ऐसा ही चालू करना है तो मेरा इसके अलावा मैं किसमें कर सकता हूँ? ऑलराइट, क्या मौजूदा पोर्टफोलियो में ही इनको बढ़ाना चाहिए अपना निवेश? हर्ष, यस यस कविता, इनफैक्ट मैं यही बताने वाला था कि इनमें अगर 5000 रुपए की एसआईपी और बढ़ानी है, इनके काफी स्कोप है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही ये बढ़ा दें. सो आपका फ्लेक्सी कैप जो फंड है, पराग पारे फ्लेक्सी कैप, उसमें आप 1500 रुपए ही कर रहे हैं तो इसमें 2500 से और बढ़ा सकते हैं. और कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड है, उसमें 2000 की जगह उसे 4500 कर दीजिए. तो आपके 5000 जो एडिशनल है वो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही आपका इन्वेस्ट हो जाएगा. और राइट, चलिए चंदन साहू जी, ऑल द बेस्ट आपके इस पोर्टफोलियो के लिए और जो बदलाव आपको हर्ष ने बताए हैं उन पर आप अमल कर सकते हैं. हम आगे बढ़ेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. और हम उमेश पटेल से आपका सवाल लेते हैं जब तक वो फोन लाइन पर हमारे साथ आए. निसरीन, आपके पास है ये सवाल. और 5 लाख रुपए इन्होंने हर फंड में डाले हैं, लगभग 40 लाख रुपए हैं इनके पास, पूरा डेट पोर्टफोलियो है. इन्होंने महिंद्रा मैनुलाइफ का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन लिया हुआ है, कैनरा बैंक को अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिया हुआ है. उमेश पटेल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर भी हैं. नमस्कार उमेश जी. नमस्कार. नमस्कार. आपने अपने सारे पैसे डेट म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं, क्या आपने किसी फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट किया है? नहीं नहीं, किसी को नहीं कंसल्ट किया. अच्छा, तो आपने खुद निर्णय लिया है डेट फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करने का? आपको पता है ये फंड्स कैसे कामकाज करते हैं, आप खुद ट्रैक करते हैं इनको? ये सब मेरे को मैडम पता है. और मैंने ये जो
आठ फंड दिखाए हैं वो सब में मैंने पांच पांच होती है जी, एक फंड जैसा है सब। उसकी डिटेल्स तो आपने मुझे दे दी है, मुझे ये जानना है कि इसके अलावा आपने अपने लिए कोई इक्विटी का पोर्टफोलियो भी बना रखा है। हाँ, इक्विटी है मेरी 25 लाख के आसपास। ठीक है, तो आपको आप केवल जो अपना डेट का एक्सपोजर है उसी को लेकर सवाल पूछना है अभी, है ना? ऑलराइट निसरीन, बताइए जो सवाल आपके सामने पेश किया गया है क्या सलाह होगी? काफी सारे इन्होंने अपने डेट फंड्स डाले हुए हैं वैसे। हाँ जी, तो उनका सवाल है कि हम एसटीपी करना चाहते हैं हमारे डेट फंड्स का, और उन्होंने बताया है कि हिज अमाउंट दैट ही वुड लाइक टू डू एसटीपी इज अबाउट 5,000 rupees पर मंथ, 5,000 rupees एक एक फंड में से। उनके पास अबाउट 40 lakhs टोटली इन्वेस्टेड है डेट फंड्स में, और हर महीने हर फंड जो 8 fund है वो 5,000 rupees यू नो एसटीपी करना चाहते हैं। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है वहां मैंने आपको एसटीपी का रिकमेंडेशन कहा बोला है, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड जिसकी काफी अच्छी रिटर्न हुई है इन द लास्ट सो मेनी इयर्स, एंड वो अच्छी चॉइसेस होगी आपके लिए। उससे आपकी फ्यूचर वैल्यू 10 years के बाद अबाउट 11,70,000 है, 15 साल के बाद 22 lakh अप्रोक्सीमेटली होगा, और 20 years के बाद 42 lakhs होगा। इस कंपाउंडिंग के लिए हम 15% का हमने एवरेज लिए रिटर्न फोकास्ट के लिए लिया है, और सो वही चॉइस है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप। दूसरा आपने कहा है कि आपने पास कैनरा रोबिको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, उसके लिए मैंने आपको टारगेट फंड दिया है इमर्जिंग इक्विटी फंड जो आप एसटीपी करना कर सकते हो 5,000 rupees अ मंथ। फिर आपके पास है फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट फंड, वहां मैंने आपको चॉइस दी है फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जो थेमेटिक सेक्टोरल फंड है। HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है आपके पास डेट में, वहां मैंने आपको HDFC फ्लेक्सी कैप फंड दिया है। कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड में से मैंने आपको कोटक स्मॉल कैप फंड दिया है चॉइस, और टाटा बैंकिंग एंड PSU डेट फंड में मैंने आपको बोला है कि आप टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करें, और Edelweiss बैंकिंग एंड PSU डेट फंड में आपको मैंने Edelweiss मिड कैप फंड के लिए STP की चॉइसेस दी है। इस जरिए आपकी एसेट एलोकेशन मिड कैप, लार्ज कैप एंड सेक्टोरल में और स्मॉल कैप में काफी डाइवर्सिफाइड रहेगी। आपको थेमेटिक चॉइसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में, फ्लेक्सी कैप भी मिलेगा आपको, स्मॉल कैप भी मिलेगा। तो इस जरिए आपको काफी एक्सपोजर अबाउट इक्वल एक्सपोजर मिलेगा मिड एंड स्मॉल कैप को, थेमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड लार्ज एंड मिड एंड फ्लेक्सी के इसके जरिए। तो 4 basic एसेट एलोकेशन हमने फॉलो की है, बिकॉज ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी बात नहीं होती है, और आपको टू मेनी फोलियोज एंड यू नो चॉइसेस से जरिए आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो हमने 4 main एसेट एलोकेशन कैटेगरीज चूज की है, और उसके जरिए एसटीपी का मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है, एंड आप 5,000 महीने यू नो काफी कम है ये अमाउंट, आप थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो, आप एटलीस्ट 10,000 rupees महीने करें तो आपकी अमाउंट जो है जल्दी इक्विटी एलोकेशन में ट्रांसफर हो जाएगी, और आपकी इंटायर स्ट्रेटजी जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। चलिए उमेश जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? इतना जानना था कि ये SIP में हर मंथ करूं, इसके अलावा हर वीक करूं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि मंथ में ही करना अच्छा है? पर वीक यानी मंथ में 4 times 5,000 rupees। बिल्कुल, निसरीन बताइए। हाँ जी, वीकली करेंगे SIP तो आप बेटर होगा, बिकॉज कभी कभी मार्केट अप डाउन होती है यू नो ऑन डेली बेसिस या वीकली बेसिस, तो आपको सपोज मार्केट करेक्शन हुए तो आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। ऑन अ वीकली बेसिस आप करें, जितना और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए वो बेटर ही होगा, बिकॉज जब भी मार्केट करेक्ट होगा और उस दिन आपकी एसटीपी हो रही है तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे इन दी इक्विटी फंड। सो मैं डेफिनेटली आपके अग्रीमेंट में हूँ कि आप वीकली एसटीपी पे के लिए रजिस्टर हो जाए, और अमाउंट भी थोड़ा बढ़ा दे, 5,000 महीने के बजाय बदले में आप थोड़ा एसटीपी का अमाउंट इंक्रीज कर दे। हर्ष देखिए,
कम ऐसे हमारे दर्शक या निवेशक होते हैं जिनका इक्विटी का इलैबोरेट पोर्टफोलियो होता है, और साथ ही डेट को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और उमेश जैसे निवेशक और दर्शक जिनके पास एक बहुत बड़ा डेट का भी पोर्टफोलियो है, कैसे देखते हैं आप इस तरह के एलोकेशन को एक पोर्टफोलियो में? तो देखिए कविता, हर इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, और एट द सेम टाइम उनकी रिस्क प्रोफाइल भी अलग होती है। तो हमें ये समझना है कि आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना होगा। एलोकेशंस आपको इक्विटी डेट दोनों में करने हैं। हर एक इंसान की जो रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिस पे आपका इक्विटी का एलोकेशन और डेट का एलोकेशन फर्क होगा। तो मान लीजिए मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैं 60% इक्विटी है, 40% डेट है। किसी और की ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है जो उनका डेट का एलोकेशन मान लीजिए 20% काफी है, 80% इक्विटी होना है। तो हर एक इंसान के पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों होना है। कितना रेशियो है, कितना रेशियो रखना है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या है, आपके टाइमलाइन क्या है, कि कितने टाइम तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। जी हर्ष, लेकिन एक सवाल अब तो हर्ष, जैसे कि उमेश के ही सवाल को मैं आगे ले जाऊंगी, इन्होंने डेट की 3-4 कैटेगरीज अपने पोर्टफोलियो में रखी हैं और उस हर कैटेगरी के 2-2 फंड को पोर्टफोलियो में डाला है। क्या इतना विस्तार पोर्टफोलियो रखने की जरूरत है या इतना विस्तार से आपको एलोकेशन करने की जरूरत है डेट में? जी नहीं, इनफैक्ट कविता, डेट में अगर हम देखेंगे ना, तो आप अगर एक कैटेगरी के 16 कैटेगरीज हैं डेट की, अगर आप कोई भी एक कैटेगरी की एक फंड भी लेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है। सो आप अगर शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक एक रख लिया आपने मीडियम ड्यूरेशन और एक लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये 3 ड्यूरेशन में अगर आप बास्केट में बांटते हैं तो आपके एक एक स्कीम अगर तीनों ड्यूरेशन के बास्केट में लेते हैं सफिशिएंट है। अब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में खाली आपके पास कॉर्पोरेट डेट आता है, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट आ जाता है, लॉन्ग जाते हैं, तो उसे मेरी सलाह ये रहेगी कि आप कोई भी सेगमेंट और उसमें से आप इन्वेस्ट कर लें। तो आप अगर मीडियम टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप ना एक स्कीम ले लें, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो एक स्कीम ले लें। एक ही कैटेगरी, जैसे इनके पास एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड और कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं होता, आप एक ही रखते तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है। चलिए, क्लियरली यहाँ पर एक तो बहुत कम दर्शक हैं जो डेट म्यूचुअल फंड्स को समझ पाते हैं, और कई बार इस तरह के भी दर्शक सामने आते हैं जो समझते हैं और कुछ ज़्यादा एलोकेशन भी डाल लेते हैं। बहरहाल, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखें, और अगर इक्विटी में आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड के जरिए रुख कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ओवर एक्सपोज या ओवर डाइवर्सिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे अगर आपको लगता है कि आपका मुनाफा बढ़ेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन चलिए, फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार बात करते हैं एक ऐसे पोर्टफोलियो की जहां पर केवल और केवल स्मॉल कैप्स हैं, और किस तरह से अगर आप अपने कमाई को बढ़ाना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड्स को पोर्टफोलियो में रखकर, लेकिन कमाई के साथ साथ जोखिम भी तो बढ़ता है, उस जोखिम का आप कैसे ख्याल रखें, विस्तार से इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। इसे पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना, बाहर से नहीं मिल रहा, घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए, यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। ET Now स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां, बल्कि है कमाई भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में, टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से शाम 4, सिर्फ ET Now स्वदेश पर, पढ़ो देश के साथ। मैं हूं कुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश, जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और शो को आगे बढ़ाते हैं, झटपट दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। कुंदन पाठक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं।
हाँ जी, हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैम। ओके सर, आपका जी पूछिए। हमारा सवाल था मैडम, हम मंथली सिप करीब एक साल से कर रहे हैं, जिसमें से 3,000 पर मंथ है एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। और तो कुंदन जी, फंड्स के नाम मेरे पास है, एक्सिस का, SBI का, निपॉन के 3 स्मॉल कैप है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का मिड कैप है, SBI का कॉन्ट्रा है, ठीक है? ये 3 स्मॉल कैप आपने कब जोड़े, किसने सलाह दी? सलाह तो कुछ भी किसी से नहीं, हमने ऐसे ही आप लोगों की वीडियो देख के ऐसे ही हम अपने मन से किया है मैम। अच्छा अच्छा, आपने ये पूरा निवेश कब से शुरू किया है, एक साल से SIP कर रहे हैं? हाँ जी मैम, एक साल से कर रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा स्मॉल कैप के रिटर्न्स को देखकर? नहीं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरे को पता है इसमें रिस्क ज्यादा है, इसलिए मैं सलाह लेना चाहता था आप लोगों से मैम। चलिए, अच्छा काम किया आपने, सलाह लेने के लिए हमें चुना, धन्यवाद उसके लिए। वैसे नसरीन, आपके पास होगा इनका, हर्ष के पास है इनका सवाल। और हर्ष, मुझे इनके स्पेसिफिक फंड्स पे मैं जाऊं उससे पहले, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं कुंदन की तरह जिन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में भर रखे हैं, ठीक है? मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स के लिहाज से अगर हम देखें तो साल भर में दोनों ही कैटेगरीज ने फंड वाइज देखा जाए तो 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। निफ्टी स्मॉल कैप ने लगभग 40% से ज़्यादा का आपको रिटर्न दिया है, मिड कैप भी 38-40 के आसपास ही है। अब ये बताइए, ये जिन्होंने भी एक साल का बंपर रिटर्न देखा है और भर भर के पोर्टफोलियो में मिड कैप डाल रखे हैं, अच्छा मिड कैप स्मॉल कैप के अलग फंड डाल रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास मल्टी कैप भी है, उनके पास लार्ज एंड मिड कैप भी है, उनके पास एक फ्लेक्सी कैप भी है, तो मतलब हम जानते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इसीलिए आप चाहे तो पोर्टफोलियो फंड्स का देखकर इक्का दुक्का फंड्स डाल सकते हैं, लेकिन ये तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अच्छा, इसके चलते क्या मेरा मुनाफा क्या और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये रैली पर है? तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, वो कब आते हैं, जब मार्केट ऑलरेडी पीक पे चला जाता है, तो वो पास्ट रिटर्न देख के आते हैं मार्केट में। तो अब यही हो रहा है, जैसे कुंदन जी ने भी कहा कि उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली है, उन्होंने सिर्फ जो नाम सुने हैं इधर उधर से वो नाम उन्होंने जोड़ते गए। अब ऐसा है कविता कि आप अगर किसी एक्सपर्ट को चैनल पर बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि स्मॉल कैप की कौन सी स्कीम अच्छी है, तो उन्होंने मान लीजिए एक स्कीम का नाम लिया, कोई दूसरे पैनल पे जो आते हैं उन्होंने कोई और स्कीम का नाम लिया, और तीसरे ने किसी और स्कीम का नाम लिया, तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो सुन रहा है तीनों को, उन्होंने क्या किया, तीनों स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया। सो वेल, ये तरीका नहीं होता अपना पोर्टफोलियो बनाने का, हर चीज के लिए एक प्रोफेशनल होता है, हर चीज के लिए एक तरीका होता है जो आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। अगर हम ऐसे ही अपना पोर्टफोलियो बनाते रहेंगे तो सारी गलत एलोकेशन हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 6 स्कीम्स इनके पास है, 3 स्मॉल कैप है, 1 फ्लेक्सी कैप, 1 मिड कैप और 1 कॉन्ट्रा फंड है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो अनंत जी, आपको बताना है, आपको ये पता है कि स्मॉल कैप में ज्यादा जोखिम होता है, आपने खुद बताया, लेकिन क्या आपको 3,000 की 3 स्कीम आपको स्मॉल कैप की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में, ये आपको सोचना होगा। अगर आप ये मानते हैं कि अगर मुझे रखना है और फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन करना है उस लिहाज से रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बदलाव, अगर आप उस हिसाब से नहीं आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, तो एक बदलाव मैं आपको बताऊंगा, आप एक्सिस स्मॉल कैप को बंद करके पराग पारे फ्लेक्सी कैप में अपना अमाउंट बढ़ा लें। सो 2 स्मॉल कैप होंगी आपके पास और बाकी आपके पास फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और कॉन्ट्रा फंड होगा। सो आई थिंक स्मॉल कैप में से एक स्कीम मैं आपको कम करने बता रहा हूँ, और ये भी प्लीज सोचिएगा कि आपको एलोकेशन कितना करना है। अगर आप महीने का 18,000 कर रहे हैं तो आपको कितना एलोकेशन स्मॉल कैप में करना है इन रुपी टर्म, तो ये नहीं कि मुझे 5 में से 3 स्कीम उधर है, वैसे नहीं, आपको देखना 18,000 रुपए में से मुझे कितनी रकम स्मॉल कैप में जानी है, कितनी फ्लेक्सी कैप में, कितनी कॉन्ट्रा में, कितनी मिड कैप में, तो फिर आप एलोकेट करिए कि 20-30% मुझे स्मॉल कैप में रखना है क्या। तो ये सवाल का जवाब आप लेंगे और फिर बाद में स्कीम का सिलेक्शन करेंगे, फिर तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो अच्छा होगा। पास्ट 1-2 साल का रिटर्न आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे जाते हुए भी ऐसा ही होगा। तो अभी आपके पास मौका है कोई भी बदलाव करने का, तो प्लीज सोच के अपना पोर्टफोलियो यहाँ से आगे बदलाव करके बढ़ाइए। चलिए, अब कुंदन जी, अगर कुंदन जी के पोर्टफोलियो पर तो खैर आपने यहाँ पर बात की है, लेकिन कुंदन जी आपको हर्ष की सलाह समझ में आई है, क्योंकि मुझे आपके बिहाफ पे और भी सवाल पूछने हैं। बहरहाल अभी हर्ष है मेरे साथ, बताइए कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पोर्टफोलियो मतलब मैं जारी रखूँ या स्मॉल कैप को कम करके जैसे सर ने बताया फ्लेक्सी कैप में डालने के लिए, या वो मैं चेंज करूँ? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, इसी सवाल पर और आपके सवाल के इसी भाग पे मैं आना चाहती हूँ, और हर्ष कुंदन के साथ साथ वो तमाम दर्शक, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हर्ष सुनने में ना बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं लोग, हम सबको आदत हो गई है, पिछले एक साल में तो इतनी बार जिक्र हो चुका कि एसेट एलोकेशन में आप ध्यान दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन पे आप ध्यान दीजिए, ये सुनने में ईजी लगता है, लेकिन पोर्टफोलियो के लेवल पर अगर आप, जैसे कि कुंदन ही है, उन्होंने खुद ही हमारे शोज देखकर सोशल मीडिया पर शायद बातें सुनकर अपना पोर्टफोलियो तो बनाया होगा, अब डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर उन्होंने एक लार्ज कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, फ्लेक्सी कैप ले लिया, सब ले लिया, लेकिन उसके अंदर भी मार्केट कैप्स में आप डाइवर्सिफाइड होते हैं, ये जरा आसान भाषा में बता दीजिए, और फिर कुंदन कैसे मार्केट कैप वाइज अपने आप को डाइवर्सिफाई करे, इसका भी नुस्खा उनको बता दीजिए। देखिए पहली बात तो कविता, यू नो ये एक हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे चीज फ्री चाहते हैं, सो यू नो हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ की कि हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा पैसा जो मेहनत करके पैसे कमाए हैं और ये फ्यूचर में हमारे गोल्स को मीट करने के लिए हम उसके सेव कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी कोई भी कॉस्ट देने से हम कतराते हैं कि भाई एक समझ के अगर एक ढंग से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो शायद हमें उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, तो हर चीज हम की चाहते हैं ना, तब ऐसा पोर्टफोलियोस बन के हमारे सामने आते हैं। सारे कॉलर्स जितने भी आप देख लेंगे, मोटा मोटी आप एक पिछले छह महीने से जितने भी हम व्यूअर की क्वेरीज ले रहे हैं, सबके पास स्मॉल कैप भरे पड़े। क्या कोई स्मॉल कैप समझता भी है, क्या समझते भी है कि स्मॉल कैप में कौन सी कंपनीज आती है, क्या आपने कोई भी एक स्मॉल कैप, जैसे आपके पास मान लीजिए एक्सिस स्मॉल कैप है या आपके पास निपॉन स्मॉल कैप या SBI स्मॉल कैप है, क्या कोई भी आपने एक भी फंड की फैक्टशीट उठा के पढ़ी है कि स्मॉल कैप की कंपनीज कौन सी है? तो आप एक बार फैक्टशीट उठाइए, उसमें देखिए कि स्मॉल कैप फंड किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है और आप उन कंपनियों के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पैसे वहीं जा रहे हैं। तो एक पोर्टफोलियो बनाना इतना आसान नहीं है जितना सिर्फ स्कीम सुन के हमने ये इस बराबर हो गया, कोविड में आपने दवाइयां सुनी कौन सी लेनी और आपने आपको कोविड हुआ था आपने दवाइयां ले ली, नहीं आप डॉक्टर के पास फिर भी गए थे, आपको मतलब पता था साइड फ्लू लेना है आपको जो भी लेनी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपने उठा के दवाइयां लेना शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो एक अंदाजा दे रहे हैं लोगों को किस तरह से आपका पोर्टफोलियो बन और आपके कैसे आगे जाके काम आएगा, लेकिन उसमें एलोकेशन जैसे के लिए आपको अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प ले तो ज्यादा बेटर है। अब आपका दूसरा सवाल कि सिर्फ क्या हम स्कीम्स देख के एलोकेशन देख के इन्वेस्ट कर दें? जी नहीं, मैं आपको इसी पोर्टफोलियो का उदाहरण देता हूं, तीन स्मॉल कैप है उसमें आप 3,000 रुपया कर रहे हैं, तो यस स्मॉल कैप में आपको डिफरेंट फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज मिलता है क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने सलाह दी कि आगे जाते हुए आप दो स्मॉल कैप रख लीजिए, तो दो से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अब एक्सिस स्मॉल कैप की जगह पे मैंने इन्हें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप दिया क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ये लार्ज में ज्यादा वेटेज है ऑफकोर्स, लेकिन इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी के मिड एंड स्मॉल कैप में सिलेक्टिवली पिकअप कर सकते हैं। मिड कैप अपॉर्चुनिटी का इनके पास एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो फंड है जो ये बरकरार रखें और कॉन्ट्राइज वैल्यू ओरिएंटेड। तो अब ये तो हो गया इनकी स्कीम, अब एलोकेशन कैसे करना, 18,000 रुपए का इनका पहले डिसाइड करना है कितना लार्ज कैप में आना है, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में, फिर वो स्कीम्स में एलोकेट करेंगे। सो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इनकी रिस्क प्रोफाइल पर अभी तक हमने बात ही नहीं की है कि इनके क्या ये इतनी जोखिम ले सकते हैं। चढ़ते हुए मार्केट में सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जब मार्केट अगर गिरेगा तब आपका रिएक्शन क्या होगा और तब आप कैसे बिहेव करेंगे वो आपका एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल डिफाइन करता है। तो आई थिंक, और ये पैसे हैं आप आज जमा कर रहे हैं आगे जाके आपको काम आएगा, कुछ भी आप गलत करते हैं उसको अंडू करने का जो कॉस्ट है, मान लीजिए आपने 5-7 साल यही चीज करते रहे और फिर आपको रियलाइज हो गया मुझे कुछ और करना था, आपको पता है कंपाउंडिंग का कितना बेनिफिट आप खो चुके हैं। तो सही चीज करना, सही समय पे सही तरीके से शुरू करना और उसके साथ आप कंटिन्यू करें तब आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे, ना कि कोई भी स्कीम उठा के पोर्टफोलियो में डाल लें और क्योंकि पास में अच्छा रिटर्न दिया आगे भी देगा ऐसा जरूरी नहीं। ये काफी विस्तार से और अच्छे से आपको सलाह दी है कुंदन। कोई और सवाल मैं पूछना चाह रहा था, वो चेंजिंग करने के बाद क्या हमारा 12 साल में मैं गोल रखा हूँ और 10% हर एक साल इंक्रीजिंग, क्या 1 करोड़ हमने टारगेट रखा है मैम, क्या अचीव हो सकता है क्या इसमें? बिल्कुल, पहले तो आपको 1 CR को भी रिव्यू करना होगा। बहरहाल हर समय तो लगभग खत्म हो गया है, झटपट क्या इनको आप सलाह देना चाहेंगे? जी वेल, अगर मैं 12% का रिटर्न के हिसाब से अनुमान लगाऊं तो 12 साल में आपका 1 करोड़ का पूरा लक्ष्य नहीं होगा। आप इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा भाई इतना रुपए आप डाल रहे हैं और इतना आपको रिटर्न मिलेगा, तो 55 लाख आसपास आप अनुमान लगा सकते हैं, और ऑफकोर्स जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे तो आप लक्ष्य के और थोड़ा करीब आ जाएंगे।
धन्यवाद कुंदन जी अपना सवाल हमें देने के लिए, और इसी के साथ शो पर समय भी समाप्त हो चुका है। और निसरीन आपका, हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते आप सभी को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें लाइव भी देख सकते हैं और अपने सवाल कमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं, दरख्वास्त है अपना सवाल अगर डाल रहे हैं कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर तो विस्तार से डालें ताकि आपके सवाल को हम शो में शामिल करें। बाकी फेसबुक और एक्सपर्ट भी हम मौजूद हैं, अपने सवाल हमसे पूछते रहिए। नमस्कार।